आज जो ये ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बारिश का मौसम और फ्राइज ना खाएं तो चल कैसे सकता है काम। तो हम बनाएंगे झटपट से ब्रेड पकौड़ा और स्टफिंग करेंगे एकदम डिफरेंट स्टाइल से। इस ब्रेड पकौड़ा का नाम है चीज कॉर्न ब्रेड पकौड़ा। तो नाम से ही समझ में आ गया है कि क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है आगे। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। उससे पहले फ्रेंड्स करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। रेसिपी अच्छी लगी तो जितना हो सकता है उतना करिए शेयर और मेरे चैनल को जरूर करिए लाइक। अब चलिए रेसिपी बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में ले लिया है 1 कप बेसन। बेसन को हम अच्छे से छान करके ले लेंगे क्योंकि बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बेसन को आप फ्रिज में रखेंगे तो आप इन सब प्रॉब्लम से आराम से बच जाएंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, 2 चुटकी यानी कि 2 पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी। नेक्स्ट डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसे हम इसी तरीके से हाथ से क्रश करके डालेंगे। इन सब को डालने के बाद इसे हम मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स एक साथ अगर हम ढेर सारा पानी डाल करके पेस्ट तैयार करते हैं तो लम्स पड़ जाते हैं यानी कि गुठलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उसे फेंटने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। जो ये ब्रेड पकौड़ा के लिए पेस्ट हम तैयार करेंगे यानी कि जो घोल है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम वाटरी भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसे इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो इसे अच्छे से फेटिएगा, भी फेटना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। बहुत पतला होगा तो ब्रेड के ऊपर वो कोट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जो कोटिंग होगी बेसन की वो बहुत ज़्यादा मोटी होगी जो बहुत टेस्टी नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये है रेडी। अब चलिए नेक्स्ट हम तैयार करते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग होगी भुट्टे की यानी कि कॉर्न की। तो अभी सीजन भी है तो ले आइए फटाफट से कॉर्न। ये बड़े साइज का कॉर्न है, इससे 10 सैंडविच आराम से बन जाता है। तो एक ही कॉर्न मैं यूज कर रही हूँ तो इसे हम आराम से देखिए एक लाइन मैंने नाइफ से निकाल लिया है। उसके बाद हाथ से इसी तरीके से हम आराम से इसे छिल छिल करके निकाल लेते हैं। तो सारे दाने निकल गए हैं, इसे मैंने अच्छे से धो भी लिया है। धोने के बाद आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे 2 मिनट बॉयल करने के बाद भी यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से बिना बॉयल किए भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लिया है मैंने हरी मिर्ची और एक बड़े साइज का प्याज और 1/2 इंच अदरक। अदरक इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब चॉपर में डाल करके इन सबको छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। तो अदरक, हरी मिर्ची जितना तीखा आपको पसंद है कम ज्यादा कर सकते हैं और प्याज, इन सबको डाल करके हम चॉप कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे चॉप करेंगे। ध्यान रखिएगा इतना ज्यादा चॉपिंग नहीं कर दीजिएगा कि प्याज से पानी निकलने लग जाए, बस छोटे छोटे अच्छे से हो जाए, फाइन चॉप वैसे चाहिए। और फिर उसी चॉपर में वापस से डाल करके जो कॉर्न है उसे डाल करके हम इसे भी छोटे छोटे एकदम चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर चॉपर नहीं है तो आप एक बार जस्ट ग्राइंडर में चला लीजिए, बस एक बार चलाइएगा, उससे ज्यादा नहीं वरना ये पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, पर बहुत ज्यादा खड़े खड़े भी ना रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो स्टफिंग बहुत अच्छा बनेगा। तो ये है डन। इसे एक बोल में हम डाल देंगे। नेक्स्ट जो हमने प्याज, मिर्ची, अदरक चॉप किया है उसे भी डाल देंगे इसी बोल में। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। नेक्स्ट डाला है मैंने 3/4 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। नेक्स्ट डाला है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर। नेक्स्ट 1/2 टीस्पून डाला है मैंने सेजवान सॉस। इसके बाद नेक्स्ट मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में हम डालेंगे खूब सारा चीज। मैंने डाला है मोंजरीला चीज। चीज आपको जो भी मिल जाए फ्रेंड्स आप डाल सकते हैं। स्लाइस चीज है तो छोटे छोटे कट करके डाल दीजिए, क्यूब्स में है तो ग्रेट करके डाल दीजिए। तो ढेर सारा चीज डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्टफिंग है एकदम रेडी। कॉर्न और चीज की जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत टेस्टी लगता है, आप सबको भी पता होगा। और ये बच्चों का भी फेवरेट बनने वाला है। तो 1/2 पोर्शन में आप मिर्ची कम रखिए जो आप बच्चों के लिए बनाएंगे। तो स्टफिंग है रेडी, चलिए करते हैं स्टफ। तो ले लिया है मैंने सैंडविच ब्रेड और उस पर हम अच्छे से मतलब अच्छे क्वांटिटी में इसके ऊपर हम जो हमने स्टफिंग तैयार किया है लगा देंगे। और नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा चीज। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिएगा, ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि चीज ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से डाला है। तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने एडिशनल और भी ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा चीज। तो चलिए अब इसे हम
इसी तरीके से कट कर लेंगे फटाफट से, और इसे हम अच्छे से प्रेस करके चिपका भी देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो स्टफिंग है डन। देखिए बाकी सबको भी हम इसी तरीके से स्टफ कर लेंगे और इस तरीके से एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब ये है रेडी एकदम फ्राई होने के लिए। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल हम उतना डालेंगे जिसमें सैंडविच आराम से डूब करके फ्राई हो जाए। अब जो बेसन का हमने बैटर तैयार किया था उसमें एक एक सैंडविच डाल करके अच्छे से चारों तरफ बेसन की कोटिंग करके हम इसे ऑयल में डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा जलिएगा बिल्कुल भी नहीं, और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे फिर बाद में लो फ्लेम पे। अगर स्टार्टिंग में ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो जो हमारा चीज कॉर्न ब्रेड पकौड़ा है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जब एक साइड कुछ सेकंड तक ये हो जाए तो हम इसे पलट देंगे दूसरे साइड। एक और जरूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप बॉयल कॉर्न यूज किए हैं तो इसे ज्यादा देर तक फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप कच्चे कॉर्न को यूज किया है यानी कि जो भुट्टे के दाने हैं वो कच्चे हैं, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा ज्यादा देर तक आराम से फ्राई करेंगे। तो देखिए जब इस तरीके से अच्छा वाला सुंदर गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। चीज कॉर्न सैंडविच को फ्रेंड्स फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से फ्राई हो जाता है। मीडियम फ्लेम पे इसे करेंगे हम फ्राई, और जब इस तरीके से गोल्डन कलर दिखने लग जाए यानी कि सुनहरा कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी सबको भी हम कर लेंगे फ्राई। तो चीज कॉर्न सैंडविच है एकदम रेडी, बनाए फ्रेंड्स बहुत टेस्टी, तो आप लोग भी जरूर बना के खाइएगा। इसे आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खाइए और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा, पर मैं खाने वाली हूँ टोमेटो सॉस के साथ। तो आपको जिसके साथ भी पसंद है आप भी उसके साथ खाइए। और इसके साथ हम खाएंगे हरी मिर्ची, तो बेसन में डिप करके फ्राई कर लिया था मैंने हरी मिर्ची भी। तो बनाइए खाइए, और रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।